यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यशायाह अध्याय 30। यहोवा की यह वाणी है कि हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति करते तो है परंतु मेरी ओर से नहीं, और वाचा बांधते तो है परंतु वह मेरे आत्मा की सिखाई हुई नहीं, और इस कारण पाप पर पाप बढ़ाते हैं। वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को चले जाते हैं कि फिरौन के शरण स्थान से बलवान हो और मिस्र की छाया में शरण ले। फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी आशा के टूटने का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। उसके हाकिम सोअन में तो आए हैं और उनके दूत अब हानेस में पहुंचे हैं। वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, और वह सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन। वे अपनी धन संपत्ति को जवान गधों की पीठ पर और अपने खजानों के ऊंटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर, जहां सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं। उससे उनको लाभ न होगा, क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और अकारत होगी। इस कारण मैंने उनको बैठी रहने वाली रहब कहा है। जब अब जाकर इसको उनके साथ पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि यह भविष्य के लिए सदा सर्वदा तक बना रहे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं, जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं कि दर्शी का काम मत करो, और नबियों से कहते हैं कि हमारे लिए ठीक नबुवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाला नबुवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इस्राएल का पवित्र यो कहता है कि तुम लोग जो मेरे इस विषय को निकम्मा जानते और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऐसा होगा जैसा ऊंची भीत का फूला हुआ भाग जो फटकर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा, और वह उसको कुम्हार के बर्तन की नाई नाश करके करेगा, उसे ऐसा चकनाचूर करेगा कि उसके टुकड़ों में से एक ठिकरा भी न मिलेगा। जिससे अंगेठी में से आग ली जाए व हौदे में से जल लिया जाए। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है कि लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, चुपचाप रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा करना नहीं चाहा। तुमने कहा कि नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे सो तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागोगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी पर के डंडे व टीले के ऊपर की ध्वजा के समान जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं रह जाओगे। तो भी यहोवा इसलिए विलंबित होगा कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे पर चढ़ेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे सब जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। प्रजा के लोग तो यरूशलेम अर्थात सियोन में बसे रहेंगे, तू फिर कभी न रोएगा, वह तेरी दोहाई सुनते ही तुझ पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तेरी मानेगा, और चाहे प्रभु तुम्हारी रोटी की कमी और जल की तंगी करे तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिप जाएंगे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दहिनी व बाई ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो, और तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी है और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित है अशुद्ध करोगे। तुम
उनको मैले कुचले वस्त्र की नाई फेंक दोगे और कहोगे कि दूर हो, और वह तेरे बीज के लिए जल बरसाएंगे कि तुम खेत में बीज बो सको, और पृथ्वी की उपज भी अच्छी और उत्तम और स्वादिष्ट होगी, और उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी तराई मिलेगी। बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे वह सूप और डालिया से फटता हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे, और उस महासंहार के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नलिया और सोते पाए जाएंगे, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात अठवारे भर का प्रकाश एक दिन में होगा। देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है और धुएं का बादल उठ रहा है, उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है, और उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है जो गले तक पहुंचती है। वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों में लगाम लगाएगा। तब तुम पवित्र पर्व की रात का संगीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उसी से मिलने को जो इस्राएल की चट्टान ठहरा है बांसुली बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनंद होगा। परंतु यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा, और अश्शुर यहोवा के शब्द की शक्ति से नाश हो जाएगा। वह उसे सोटे से मारेगा, और जब जब यहोवा उसको मनठाना दंड देगा तब तक साथ ही डफ और बीना बजेगी, और वह हाथ बढ़ा बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा, और बहुत काल से तोपेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है, वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है, वहां की चीता में आग और बहुत सी लकड़ी है, यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा की नाई उसको सुलगाएगी।